हेलो एवरीवन, अक्सर पूछा जाता है कि हमारे बाल पतले होना शुरू हो गए हैं, हेयर फॉल बढ़ गया है, बाल बहुत ड्राई रहते हैं, ऐसा क्या किया जाए जिससे बाल हेल्दी हो जाएं, शाइनी हो जाएं और हेयर फॉल बंद हो जाए। तो उसके लिए ये जानना जरूरी है कि बालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है केराटिन प्रोटीन, और केराटिन प्रोटीन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं 18 टाइप्स के अमीनो एसिड्स, और ये अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं आयरन में, प्रोटीन में और एंटीऑक्सीडेंट में। मैं आपको कुछ ऐसे आयरन, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट के सोर्सेज बताऊंगा, अगर आपने वो अपने डेली रूटीन में ऐड किया तो ना सिर्फ आपके बाल गिरना बंद होंगे बल्कि जो बाल पतले हो गए हैं, थिनिंग हो गई है, वो भी बेटर हो जाएगी, बाल शाइनी भी हो जाएंगे और उसका हेल्दी लुक भी आएगा। आयरन के सोर्सेज में जो सबसे अच्छे सोर्सेज हैं वो है ब्लैक डेट्स, जिसे हम खजूर भी कहते हैं, फिक्स जिसे हम अंजीर कहते हैं, जैगरी जिसे हम गुड़ कहते हैं, इनमें आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो वेजिटेरियन के लिए जो सबसे अच्छा सोर्स है प्रोटीन का वो है सोया। सोया में आप सोया चंक्स ले सकते हैं, सोया नट्स ले सकते हैं, सोया का मिल्क ले सकते हैं, सोया फ्लोर मतलब सोया आटे को गेहूं के आटे के साथ मिला के रोटी बना के डेली ले सकते हैं। इसके अलावा जो एगेरियन है उनके लिए जरूरी है कि वो रोज एक या दो बॉयल एग लें, या एग की किसी भी फॉर्म में वो ले सकते हैं। और प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है जिसे हम कहते हैं मेथी दाना। 5 ग्राम मेथी दाना अगर आप रात में पानी में सोख करके रखेंगे और सुबह लेंगे तो वो भी आपके अंदर प्रोटीन को फिल करेगा और आपके बालों को हेल्दी रखेगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट में जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी आप ले सकते हैं मील के बाद, लाइक आप ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं, लंच के बाद ले सकते हैं और डिनर के बाद ले सकते हैं। इसके अलावा नट्स में आप वॉलनट ले सकते हैं, 2 वॉलनट डेली। इसके अलावा आमंड्स, 5 बादाम डेली, और फ्लैक्स सीड जिसे हम अलसी कहते हैं, अलसी आप रोस्टेड फॉर्म में भी ले सकते हैं और रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं। और एक बहुत अच्छा सोर्स होता है जिसे हम कहते हैं पम्पकिन सीड, कद्दू के जो बीज होते हैं मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं और रोस्टेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप अपनी डेली रूटीन में ऐड करते हैं तो आपके बाल हेल्दी होते हैं, आपके बाल में शाइनिंग वापस आ जाती है, हेयर फॉल बंद हो जाता है। आप कुछ ऐसा फॉर्मूला भी तैयार कर सकते हैं कि इन सारी चीज़ों को एक साथ मिला के भी खा सकते हैं, जैसे अगर आप चाहें, विंटर आने वाला है, हेयर फॉल ज़्यादा होता है विंटर में, विंटर में जैगरी गुड़ खाया जाता है, आप गुड़ के लड्डू बना सकते हैं, उसमें इन सारी चीज़ों को, जिन जिन चीज़ों को मिक्स किया जा सकता है उसको मिक्स कर सकते हैं, और डेली एक अगर आप लड्डू लेते हैं, एक जैगरी का लड्डू लेते हैं, तो उससे आपकी बॉडी में उन वो अमीनो एसिड्स फिल होते हैं जिसकी वजह से केराटिन फॉर्म होता है और आपके बालों को न्यूट्रिशन मिलता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें ऐसा कुछ भी है जो आपको नहीं समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर आसिफ अली, क्लिनिक अमेरिका।